साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। एक्शन में तेजस्वी यादव, आराम फरमा रहे थे डॉक्टर तभी रात में पहुंचे पीएमसीएच, बद इंतजामी पर हुए नाराज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकी को गिरफ्तार किया। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक देश भर में 50 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। बाढ़ को लेकर सीएम कर रहे थे बैठक, गहरी नींद में चले गए मंत्री आर अशोक। एस जयशंकर की चीन को चेतावनी, बोले ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत समुद्री पहल का प्रबल समर्थक। बेंगलुरु में बारिश ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड, आलिशान घर, बेंटले और बीएमडब्ल्यू कारें डूबी, 5 की मौत। पूर्व कांग्रेसी मंत्री धर्मस्रोत की रिहाई अटकी, केस की में नई धाराएं जोड़ी गई, जमानत सिर्फ करप्शन केस में मिली। पाकिस्तान ने 8 महीने बाद तोड़ा सीज फायर, अर्निया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों पर की फायरिंग, मिला करारा जवाब। नीतीश का मिशन 2024, दिल्ली में 5 विपक्षी नेताओं से मिले, 13 को साथ लाने का टारगेट। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को उपभोक्ता कोर्ट का निर्देश, 17 साल से इंतजार कर रहे थे भक्त को 45 लाख का मुआवजा दे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर असम के सीएम का तंज, बोले एकजुट है भारत, पाकिस्तान में शुरू करेंगे अभियान। पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई रेड, कोयला घोटाले मामले में कार्रवाई। कर्नाटक के वन मंत्री उमेश कट्टी के हार्ट अटैक से मौत, सीएम ने कहा कुशल राजनीतिक और वफादार सेवक खोया। रोड सेफ्टी को लेकर गडकरी का ऐलान, कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर्स को भी लगानी होगी सीट बेल्ट। चौबीस के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, 2019 में पार्टी जहां हारी उन पर 144 सीटों पर मंत्रियों ने पेश की रिपोर्ट्स। मथुरा पहुंचे अमिताभ के हमशक्ल, बच्चों के साथ मस्ती की, डॉन फिल्म के गाने अरे दीवानों मुझे पहचानो गीत पर किया डांस। शूटिंग के साथ जनता दरबार, आजमगढ़ के सांसद निरहुआ, बोले सीएम योगी ने कहा था शूटिंग करिए। खाद्य सुरक्षा विभाग की मथुरा पर कार्रवाई, मथुरा में जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की कैंटीन पर मारा छापा। रामनगर पहुंचा लग्जरी क्रूज, काशी के 88 घाटों को देख रोमांचित हो उठे ब्रिटिश जर्मन सैलानी, चुनार किले तक हुई यात्रा।
आगार में पैरों में रस्सी बांधकर महिला की पिटाई, बच्चे चोरी के शक में पकड़ा, पुलिस पूछताछ में जुटी। मैनपुरी में पत्नी की हत्यारे पति को मिली 5 साल की सजा, दहेज के लिए पत्नी को जलाया था। एसटीएफ का आगरा, यूनिवर्सिटी में रहेगा डेरा, चलेगा ऑपरेशन क्लीन, फंस सकते हैं कई पूर्व कुलपति। सीतापुर में लापरवाही बनी हादसे का सबब, 2 बाइकों की भिड़ंत में पति पत्नी सहित 3 की मौत, 1 बाइक पर थे 4 लोग। गाजियाबाद में युवती से बदसलूकी, मामले भाई ने दुष्कर्म कर बनाई वीडियो, निकाह से मना करने पर बुरी तरह पीटा। बाराबंकी स्कूल में शिक्षक की काटी गई चोटी, पीड़ित ने प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ पर लगाया आरोप। बागपत में सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 घायल, बस की टक्कर से अनियंत्रित ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े लोगों को रौंदा। चित्रकूट के होटलों में फायर ब्रिगेड और पुलिस ने की चेकिंग, 10 होटल, 12 गेस्ट हाउस और 3 शॉपिंग मॉल चेकिंग की गई। बांदा में होटल मॉल बहुमंजिल इमारत चेकिंग अभियान, होटल में आग से सुरक्षा के मानक नहीं मिले पूरे। मंत्री कपिल देव ने की शिव शक्ति साधना, चुनाव के बाद पहुंचे राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का जगह जगह किया गया स्वागत। मंजिल पर पहुंचने से पहले मौत के दस्तक, अमेठी में पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से गिरे 3 युवक, 2 की मौत, 1 घायल। गोरखपुर में फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों को रौंदा, 2 की मौत, तीसरा गंभीर, नेपाल से आ रही कार रेलिंग से टकराकर पलटी। बांदा में फर्जी आरटीओ बंद वसूली करने में 4 गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से बोलेरो जीप, 3,000 रुपए बरामद। ताजमहल के सेंट्रल टैंक में बंदरों का स्टंट, तैराकी के साथ लगाते गजब की कलाबाजी, अब पर्यटकों की छूट जाती है हंसी। मुजफ्फरनगर दंगे के 510 मुकदमे, सजा सिर्फ 1, आज के 3 साल, 2003 में भड़का था दंगा, 50 से अधिक की गई थी जान। गाजियाबाद में बाइक चोरी का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, 15 सेकंड में घर के बाहर से ढकेल कर ली गई बाइक। फतेहपुर में करंट लगने से किसान की मौत, गेहूं की टंकी में टेक लगाकर बैठे थे, बिजली का तार टूटकर चिपका था। गाजियाबाद के लोनी में शराब सकिंद का दूसरा हत्या, आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली। फर्रुखाबाद प्राइवेट बस की टक्कर से प्राइवेट शिक्षिका की मौत, गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। कासगंज में जीजा की मौत के बाद साले ने भी तोड़ा दम, सड़क हादसे की खबर सुनकर आया हार्ट अटैक, 1 घायल। हरदोई के बिलग्राम में ट्रैक्टर और कार में भिड़ंत, सड़क हादसे में 3 दोस्त घायल, चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार।
ग्रेटर नोएडा में किरायेदार मकान मालिक के बीच जमकर चले ईंट पत्थर, किराए को लेकर फायरिंग भी हुई। फतेहपुर में घर में घुसकर दो पक्षों के बीच मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। मुठभेड़ में लुटेरा घायल, मथुरा में आगरा के बदमाश ने किया था चैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। केजीएमयू में बैरिकेडिंग तोड़कर मरीज अंदर घुसे, 3000 लोगों की भीड़ को देखते हुए फोर्स बुलानी पड़ी। हापुड़ में 11 होटल समेत 16 प्रतिष्ठानों में हुई चेकिंग, आग से बचाव का नहीं मिला कोई इंतजाम, सभी को दिए गए नोटिस। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाला जांच समिति ने सचिव मुकेश सिंघल को बुलाया, नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज खंगाले। देहरादून और रुद्रपुर में जल्द खुलेंगे सैनिक स्कूल, मुख्य सचिव की बैठक में हुआ फैसला। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में मनेगा हिमालय दिवस, 500 से अधिक संस्थाएं गोष्ठियों में करेंगी मंथन। हरिद्वार जिला पंचायत लंबी माता पच्ची के बाद भाजपा के 44 प्रत्याशी घोषित, प्रतिष्ठा का सवाल बना चुनाव। उत्तराखंड के रुड़की के शंकरपुरी में 35 लोगों में हुई डेंगू की पुष्टि, बुखार से एक महिला की हो चुकी है मौत। निवेशक सम्मान समारोह में सीएम धामी ने 67 निवेशकों को किया सम्मानित, कहा आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड में कोरोना के 49 नए संक्रमित मिले, एक मरीज की मौत, घटकर 341 पहुंचे सक्रिय मरीजों की संख्या। उत्तराखंड के रुड़की में डकैती, हथियारबंद बदमाशों ने ठेकेदार के घर बोला धावा, 5.70 लाख रुपए और जेवर लूटकर हुए फरार। उत्तराखंड में पत्नी नहीं कराने पर दी थी कीमोथेरेपी, से राम सिंह ने कर दी हत्या, मोर्चरी में शव रखकर घर लौटा। अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब धाम के कपाट, अब तक 2,15,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड विस भर्ती प्रकरण में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को केंद्रीय नेतृत्व का बुलावा, आज नड्डा से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में भू कानून सुधार समिति को लेकर यशपाल आर्य ने उठाया सवाल, का कोई नादान व्यक्ति भी निष्कर्ष निकाल सकता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद है रामविलास यादव की पत्नी को भगोड़ा घोषित कर सकती है विजिलेंस। उत्तराखंड में अमीर बनने की चाह में वाहन चोर बन गए प्लंबर और बिल्डर, दोनों गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बंदरों के लगातार हमले से लोग परेशान, हाईवे जाम करने को दी चेतावनी। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन के होम मिनिस्टर बनी, हिंदू तमिल परिवार से हैं।
वियतनाम के एक कार बार में आग लगी, 12 लोगों की मौत। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका। ब्रिटेन में हिंदुओं को निशाना बना रहे पाकिस्तानी मुस्लिम, भगवा झंडा उखाड़ा, युवक को चाकू मारने की कोशिश। अंटार्कटिका में प्रलय लाने वाली ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ी, ब्रिटेन के बराबर आकार पिघला तो महाविनाश। रूस को आतंकवादी राज्य घोषित नहीं करेगा अमेरिका, बोला ऐसा किया तो होंगे गंभीर परिणाम। ट्रंप के घर से मिले न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स, यूएस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद। यूरोप में महंगाई से लड़ाई, सरकार ने घोषित की राहत पैकेज, जर्मनी बुजुर्गों को 24,000 रुपए देगा। रूस यूक्रेन जंग जारी, यूक्रेन में अब तक 342 बच्चों की मौत, 741 घायल, आधी आबादी पलायन कर चुकी है। सिंजो का प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार 27 सितंबर को, 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे, विपक्ष ने जनता के पैसे की बर्बादी बताया। अमेरिका के दो दुश्मनों ने दिखाई अपनी ताकत, एकजुट हुई सेनाएं, खुद पुतिन देखने पहुंचे वोस्तवक सैन्य अभ्यास। महंगाई से मिल सकती है राहत, 7 महीने के निचले स्तर पर आया कच्चा तेल, 3 रुपए तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। एनएसए के पूर्व प्रमुख रवि नारायण गिरफ्तार, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गिरफ्तारी। रियलमी C33 बजट फोन लॉन्च, मिलेगा 50 MP रियर के साथ 5 MP फ्रंट कैमरा, कीमत 10,000 से भी कम। हुंडई वेन्यू एनलाइन SUV लॉन्च, एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर भी मिलेंगे। ड्रीम फोकस ने लिस्टिंग डे पर दिया 56% रिटर्न, 142 रुपए की बढ़त, 508 पर लिस्ट हुआ, इश्यू प्राइस 326 रुपए था। सोने चांदी में तेजी जारी, सोना 51,000 और चांदी 54,000 के करीब, आगे और बढ़ सकते हैं दाम। भारत और अमेरिकी साझेदारी, इस सदी में सबसे अहम इंडियन आइडियाज, समिट में बोले गौतम अडानी। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने भारत को सराहा, बोलो यहां वह बाजार है जो कोविड के बाद हमें आगे बढ़ाएगा। हॉप ओक्सो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च, सिंगल चार्ज पर देगी 150 किलोमीटर की रेंज। अमेरिका में बोले पीयूष गोयल, भारत निवेश के सबसे अच्छे मौके मुहैया करा रहा है, इनसे ना गंवाएं। रोहित शर्मा को अभी भी भारत पाकिस्तान फाइनल की उम्मीद, कहा क्यों ना हो टेंशन ले रहे हो। नेपाल के कप्तान संदीप लामिछाने पर लगा दुष्कर्म का आरोप, 17 साल की नाबालिग ने लगाया आरोप।
श्रीलंका से भारत की हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मारो मुझे मारो मीम वाले मोमिन कहने लगे, ये चीटिंग है भाई। बल्लेबाजी के लिए मैं करते दिखे ऋषभ और हार्दिक पांड्या, फिर पंत हुए मायूस। गेंदबाजी कोच उमर गुल ने कहा बाबर का न चलना अफगानिस्तान के लिए अच्छा, जिस पर सैकलन मुश्ताक भड़के। एशिया कप से लगभग बाहर हुई टीम इंडिया, सुपर चार के मुकाबले में श्रीलंका ने 6 विकेट से हराया। केएल राहुल आथिया अगले साल शादी करेंगे, टी20 वर्ल्ड कप के बाद जनवरी में विवाह के बंधन में बंधेंगे। विराट बयान पर सुनील गावस्कर का पलटवार, बोले पूर्व कप्तान बताए कि किसको मैसेज का था इंतजार और क्या सुनना चाहते हैं। वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका टीम का ऐलान, चोट के कारण रासी वॉन डर दूसिन हुए बाहर। भारत के सितारे स्पिन के आगे बेबस रोहित और राहुल के स्ट्राइक रेट में आती है 25% की गिरावट। यौन शोषण मामले में केआरके को कोर्ट से राहत, विवादित ट्वीट केस में हिरासत में है कमाल, बोरीवाली कोर्ट में होगी सुनवाई। लाल बागचा राजा के दरबार पहुंचे अजय देवगन, बेटी यू के साथ लिंपा बापा का आशीर्वाद चरणों में टेका माथा। जस्टिन बीबर इंडिया में नहीं कर पाएंगे परफॉर्म, बोले लाइव कॉन्सर्ट की वजह से मेरी हेल्थ पर काफी असर पड़ा। चौवन साल का डोरेमोन 46,000 करोड़ कमाई पैदा होने के 100 साल पहले इस सरकार ने मनाया जन्मदिन। पोनियन सेल्वन फर्स्ट का ट्रेलर लॉन्च, ऐश्वर्या राय ने इवेंट में छुपे रजनीकांत के पैर, मणिरत्नम को लगाया गले। कियारा आडवाणी ने हेलो मैगजीन के लेकर आए फोटोशूट, ग्लैमर लुक में नजर आई एक्ट्रेस। रणवीर आलिया नहीं कर सके महाकाल के दर्शन, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद लौटना पड़ा। मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन 1 का ट्रेलर रिलीज, नंदिनी के रोल में नजर आएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन। फूट फूट कर रोई एक्ट्रेस अर्चना गौतम, तिरुपति बालाजी मंदिर के कर्मचारी पर लगाए बदल सलूकी के आरोप। गुड बाय का ट्रेलर आउट, इमोशंस कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर हो गई फिल्म, अमिताभ रश्मिका की दिखी खट्टी मीठी नोकझोंक। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।